इंदौर के महू में कोरोना की खबरों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी पड़ोसी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। दरअसल मानपुर थाना क्षेत्र के नंदलाई घाटी कैलोद रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव और पास में ही पुलिया पर एक कार खड़ी थी, जिसकी सूचना मानपुर और बड़ौदा थाना में दी गई, जिसके बाद थाना प्रभारी मैं पुलिस फोर्स के घटनास्थल पर पहुंचे और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से शव की शिनाख्त की, जिसके बाद मृतक की पहचान अनिल ठाकुर के रूप में की गई। वहीं हत्या की सूचना मिलने के बाद मृतक के पिता ने FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने ज़्यादा समय ना लगाते हुए 48 घंटे में ही हत्या का खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने इस घटना का खुलासा करने वाले पुलिस और अधिकारियों को इनाम देने की घोषणा की है। को सुबह सुबह थाना बड़गोदा में सूचना प्राप्त हुई कि जय जवान जय किसान पुलिया के पास जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है। तत्काल थाना प्रभारी बड़गोंदा, STOP महू श्री विनोद शर्मा, एडिशनल SP महू श्री पुनीत गहलोत मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने पर घटनास्थल थाना मानपुर का होना पाया गया। तत्काल ही TI मानपुर भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँचे। घटनास्थल के निरीक्षण पर यह पाया कि एक अज्ञात व्यक्ति उम्र लगभग 35-40 साल के बीच में सड़क के किनारे पड़ा है। उसके गले में एक कपड़ा बंधा है। सबका निरीक्षण करने पर उसके सिर में पीछे चोट होना पाई गई। पास ही एक कार खड़ी थी। कार का रजिस्ट्रेशन क्रमांक MP09CJ5916 था। कार के रजिस्ट्रेशन के आधार पर कार मालिक से संपर्क किया गया और जब कार मालिक पहुँचे घटनास्थल पर, उन्होंने उस व्यक्ति का शव को देखा तो अपने पुत्र अनिल सिंह ठाकुर का होना बताया। घटना की परिस्थितियां सबके निरीक्षण से प्रथम दृष्टया धारा 302 का अपराध पाए जाने से थाना मानपुर पर प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। एक अज्ञात युवक की हत्या का सनसनीखेज प्रकरण था, उसको अति गंभीरता से लेकर एडिशनल SP मऊ के द्वारा स्वयं टीम का नेतृत्व करते हुए अपने साथ STOP मऊ और थाना मानपुर के समस्त स्टाफ को लगाया और लगातार जब से ये अज्ञात शव मिला था तब से अभी दोपहर तक इस केस में लगे रहे। संदिग्ध को पकड़ा और मृतक की पत्नी को भी पकड़ा। जो साइंटिफिक एविडेंस, जो घटनाक्रम, जो साक्ष्य आए वो बड़े ही दुखदाई हैं। मृतक अनिल की हत्या उसकी पत्नी के द्वारा षड्यंत्र करके अपने साथी राहुल सिंह ठाकुर के द्वारा प्लान करके कराई गई है। पुलिस के द्वारा आरोपी राहुल सिंह ठाकुर और मृतक की पत्नी आरती को गिरफ्तार किया गया है और दोनों को कल माननीय न्यायालय में पेश कर उनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और घटना की और कड़ियों को जोड़ने का प्रयास पुलिस करेगी। प्रथम दृष्टया इस घटनाक्रम में मृतक की पत्नी और उसके साथी ने मिलकर प्लान करके अनिल सिंह ठाकुर की हत्या की। इस हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को एडिशनल SP मऊ और STOP मऊ को मेरे द्वारा प्रशंसा पत्र तथा थाना प्रभारी मानपुर और उनकी टीम को 5,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। एनी क्वेश्चन प्लीज। सर, ये जो हत्या की गई है कितने आरोपी थे? मैंने अभी बताया कि मृतक की पत्नी इसमें षड्यंत्रकारी है और उसने अपने दोस्त या प्रेमी के साथ मिलकर षड्यंत्र कर प्लान किया और उसके साथी दोस्त राहुल ठाकुर ने
उसको अपनी योजना अनुसार उसकी है। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें क्या खुली, मानो शराबियों की तो लॉटरी निकल आई हो। शराबियों को कोरोना का कोई डर ही नहीं है, ना ही तो मुंह पर मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। वहीं शराब के ठेके पर शराब लेने पहुंचे लोगों को पत्रकारों को देखकर सोशल डिस्टेंसिंग याद आई। दूसरी तरफ ये जनाब तो पेटी भर कर शराब खरीद रहे हैं और मुंह पर मास्क तक नहीं है। पूछने पर बताया कि बारात की तैयारियों के लिए खरीदी है। दूसरी तरफ जनपद देवरिया के सलेमपुर में शराब की दुकानें खुलने से महिलाएं काफी नाराज दिखी। नाराज महिलाओं का कहना है कि सरकार ने बाजारों को खोलने की तो मनाही कर रखी है, लेकिन शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी। गरीब के घर में खाने को राशन नहीं है, लेकिन शराब की दुकानें खुलने से शराब पीने के पैसे आ जाते हैं, ऐसे में घर कैसे चलेगा। सरकार सिर्फ अपना फायदा देख रही है, गरीब आम जनता का नहीं। हाँ बताइए, और क्यों सर माटी खोला गया है? घर में जा करके सब्जी भी नहीं है, बोरा का बोरा शराब लेने के लिए है पैसा? हाँ, लोगों को पैनल करने के लिए मैं रहा हूँ घर में जाके। ये तो गवर्नमेंट के द्वारा खोला गया है, सरकार यही बनाया गया है कि सर लोगों को मार्केट खोलने के लिए रोक रहा है, सर भट्टी खोलने के लिए नहीं रोक रहा है। तो आपकी क्या मतलब अपील है सरकार से, क्या कहना चाहेंगे आप? हमको यही कहना चाहिए, बताए कि मार्केट नहीं खोलना चाहिए, सब्जी दाल खाती घर में कुछ भी नहीं है। तो आप भी अपने आप परेशान है क्या? क्यों नहीं परेशान है, किससे परेशान है आप? सब पियकर से परेशान। जी जी जी, क्या समस्याएं हैं आपको? अपने पारिवारिक समस्याएं बताइए। समस्या ये कि घर में सब्जी दाल भी नहीं है। जी जी, शराब पीने के लिए पैसा है। जी जी, तो सरकार से आप कुछ अपील करना चाहेंगी इसके परिप्रेक्ष्य में? हाँ, क्यों नहीं, क्या अपील करना चाहेंगी आप? ये करेंगे सर भट्टी बंद कराओ। जी सर भट्टी से फायदा है। जी आइए। देवरिया सलेमपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता शहबाज खान की रिपोर्ट।